दोस्तों भोले भंडारी, आज दिनांक 15 मई 2024 है। आज की देवाणी जनवाणी मंगलवाणी, आज का डिवाइन मैसेज। दोस्तों मेरी इस चैनल पर मैं देवाणी हेडिंग के अंडर कुछ ऐसा बोलता रहता हूँ जो रहस्यमय सा है। आज का रहस्यमय संदेश सुनिए। अभी मैं एक यूट्यूब चैनल क्राइम तक, जिसमें शम्सु खान क्राइम स्टोरीज को बताते रहते हैं, मैं वाच कर रहा था। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरीज होती हैं। मैं बहुत बार यह चैनल देखता हूँ। उसमें आज मैं अभी मुल्तान जेल की एक क्राइम स्टोरी वाच कर रहा था कि कैसे एक 17 साढ़े 17 साल के लड़के को लड़के द्वारा कोई अपराध हो गया और उसको फांसी की सज़ा हो गई, और बाद में फिर किस तरह से मिरेकुलस वे में उसको फांसी की सज़ा टली। यह तो एक नॉर्मल प्रोसीजर थी। यूट्यूब में हम बहुत कुछ तरह तरह की चीज़ें पढ़ते रहते हैं, लेकिन इसका एक दूसरा पक्ष देखिए। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि मेरे पास कुछ रहस्यमय से संदेश आते हैं, और फिर जब मैं ये स्टोरी वाच कर रहा था तो मेरे पास भी एक रहस्यमय संदेश आया। उसको आप सुन लीजिए, क्योंकि वह मेरे दिमाग में भी खलबली मचाए हुए है, और मेरे यहाँ पर उसे बोल देने से मेरी खलबली थोड़ी कम हो जाएगी। मैं सोच रहा था कि देखो दुनिया में लोग कहाँ कहाँ कैसी कैसी परिस्थितियों में फंस जाते हैं। इस बेचारे जो उस लड़के का नाम अनवर था, उनको किन नॉर्मल परिस्थितियों में अपराध करने पर फांसी की सज़ा हो गई, जबकि इन परिस्थितियों में तो कोई भी ऐसा कर देगा। मैं अपने को बड़ा भाग्यशाली समझ रहा था कि परमात्मा तुमने अच्छा हमें एक सही परिस्थितियों में डाला, वरना कब किससे कोई अपराध हो जाए कोई कुछ नहीं कह सकता। मैं भगवान के प्रति धन्यवाद देता हुआ बड़ा अपने को भाव विभोर अनुभव कर रहा था। तभी मुझे यह देववाणी हुई, यह डिवाइन संदेश आया कि मंगल मंगल सुनो। इसी तरह से किसी से भी अनजाने में, अज्ञानता में, भावावेश में होकर अपराध हो जाते हैं। लेकिन मंगल तुम भी इसी तरह से, यह जो भारत का ड्रैकुला है इसको फांसी की सज़ा हो जाएगी, लेकिन इसकी फांसी की सज़ा को तुम रुकवा देना। मैं मनी मन सोचने लगा कि भाई फांसी की सज़ा का तो मैं भी विरोधी हूँ, कि यह तो मानव इतिहास में होनी नहीं चाहिए। अब इससे आगे की बात सुनिए। एक तो वह रहस्य में देवी संदेश, और वह देवी संदेश भी इस कहानी को वाच करते हुए जो एक लड़के को फांसी लगनी थी और 7 घंटे पहले कितनी मिरेकुलसली उसकी फांसी की सज़ा टली, और फिर ये एक संदेश आना कि मंगल मंगल सुनो, तुम भी इस ड्रैकुला
कि फांसी की सजा को टाल देना, गलतियां हो जाती हैं, इसको तुम फांसी, मैं इनकी भाई ये ड्रैकुला कौन और मैं कौन होता हूँ किसी की फांसी की सजा को टालने वाला। और ये संदेश, इस तरह के बहुत से प्रश्न मेरे दिमाग में घूम रहे थे। आज का यही देवी संदेश है दोस्तों, इस संदेश को देने का अर्थ है कि यह दुनिया भी बड़ी रहस्यमय है और यहाँ जो भी कुछ होता है वो वैसे नहीं होता, अकारण नहीं होता। यहाँ सारी चीज़ें बड़ी एग्जैक्ट हैं, कोई उन घटनाओं को घटित कर रहा होता है, चाहे हम करें या दूसरा करे। अब आपको इसमें क्या करना है, आपको मैं इसे क्यों सुना रहा हूँ, मैं आपको इसलिए सुना रहा हूँ कि आप ये नोट करें कि भारत के इस ड्रैकुला को फांसी की सज़ा होगी, लेकिन बाद में वह सज़ा, फांसी की सज़ा टाल दी जाएगी। अब आपको ये देखना है कि भारत का ड्रैकुला कौन है और इसको किस वजह से फांसी की सज़ा हुई और इसको कौन टालेगा। यह सारे बातें अभी भविष्य के गर्भ में हैं, यह आपको, ये सारी चीज़ें आपको समय पर मालूम होगी। यदि आप इस वीडियो को याद करके रखेंगे जो कि समय पर काम आएगा कि देखो यह वह जो डिवाइन संदेश सही सही आया था और देवी शक्तियों ने उसे दिया था, क्या कि इस भारत के ड्रैकुला को फांसी की सज़ा होगी, लेकिन दया करके इसे भी ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा जैसे वो मुल्तान वाला केस हुआ। कोई न कोई ऐसा क्लू निकलेगा। आज का देवाणी का यही एक डिवाइन संदेश मैसेज था जो मैंने आपको दिया। आपसे हो सके तो इसे सेव करके रखें, क्योंकि भविष्य में इसका स्पष्टीकरण आएगा, मुझे ये बताया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद, आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत। और इसके साथ साथ मैं कुछ और बताना तो भूल ही गया, वह यह है कि इस ड्रैकुला के ड्रैकुलियन एक्टिविटी के बाद में भारत में एक बहुत अच्छी शासन व्यवस्था रही है जिसमें किसी को फांसी नहीं लगेगी, कोई ऐसा हीनेस क्राइम नहीं होगा, कोई भूख से तड़पेगा नहीं, कोई अशिक्षित नहीं रहेगा, कोई बिना घर के नहीं रहेगा, मतलब सबको वैसा मिलेगा जिसका वह हकदार है। मानव प्राणी जो इस दुनिया में आता है वह कुछ फंडामेंटल राइट्स को लेकर आता है, जैसे कि उसको समय पर खाना मिलेगा, समय पर कपड़े मिलेंगे, उसको शिक्षा मिलेगी, उसको स्वास्थ्य, न्याय और प्रेम का पूरा इंतजाम रहेगा। क्यों कि जिस मदर नेचर ने उसको इस दुनिया में भेजा है उसके लिए खाना, पानी, मकान, रोटी, पार्टनर, घर वाले जो भी हैं उसके लिए एडवांस
एडवांस में इंतजाम करके उसको भेजा है कि भाई कहाँ क्या चीज़ उसको मिलनी है। लेकिन हमारे यहाँ के जीवन का मैनेजमेंट उसको यह नहीं मिलने देता। इसलिए जो भी मैं अपने इस मिशन ग्रेट इंडिया यूट्यूब चैनल पर जो देववाणी की बात करता रहता हूँ उसका इससे संबंध है। क्योंकि क्या संबंध है, क्योंकि यहाँ के मैनेजमेंट को अब सुधारा जाएगा और जो प्रकृति ने, देवी माता ने, जगदम्बी माता ने, माता जो अपने बच्चों के लिए इस दुनिया में कदम रखने से पहले जो सारी सहूलियतें भेजती है वे उनको सारी मिलेंगी। मतलब समय पर शिक्षा, मकान, स्वास्थ्य, न्याय, प्रेम, अपना लाइफ पार्टनर या जो भी है। क्योंकि वह तो जगदम्बे माँ पहले ही अपने बच्चों को भेज चुकी होती है। कमी तो हमारे यहाँ है जो हम मैनेज नहीं कर पाते। इसको हमारा मिसमैनेजमेंट है कि कहीं पर तो ढेर लगे रहते हैं और कहीं पर वो कमी रह जाती है। कहीं पर खाना नहीं और कहीं पर खाना पड़ा पड़ा सड़ जाता है, उसको खाने वाले नहीं। इसलिए दोस्तों ये एक अद्भुत देवी समाचार है और कम से कम यह आप जल्दी ही भारत में तो इसको जल्दी ही चरितार्थ होते वक्त देखेंगे कि भारत में पैदा होने वाले हर एक मानव बच्चे को उसका सारे फंडामेंटल राइट्स मिलें। फंडामेंटल राइट्स क्या हैं कि उसके लिए खाना, उसके लिए रहने को घर, उसके लिए प्रेम करने को उसके मम्मी पापा, उसके लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रेम, न्याय और बड़ा होने पर उसके लिए लाइफ पार्टनर, और उसके जीवन में हद से नहीं हो। हद से क्या, जैसे कि एक्सीडेंट्स, मर्डर्स, सुसाइड्स, इस तरह की घटनाएं नहीं हों। क्योंकि इन चीज़ों के लिए परमात्मा ने, उस जगदम्बे माँ ने पहले से इंतजाम कर रखा है कि उसके बच्चों के लिए ऐसे ऐसे इंतजाम किए गए हैं। लेकिन हम अपनी अज्ञानता की वजह से उन चीज़ों को पहचानते नहीं, मतलब उस कला को, विज्ञान को नहीं जानते और वो मैनेज करना नहीं जानते कि सबके लिए कैसे मिलेगा। अब ये चरितार्थ होने जा रहा है और ये भारत से जिसकी शुरुआत होगी, मतलब एक ऐसी जगमग शासन व्यवस्था आएगी जिसको हम अपने सुबह के 5 बजे होने वाले प्रार्थना सभा यानी डप्पा प्रोग्राम DPPA ध्यान प्रार्थना प्रभु स्मरण अफर्मेशन प्रोग्राम में बोलते हैं कि एक जगमग शासन व्यवस्था का की शुरुआत भारत से होगी जिससे मानवता माला माल हो जाएगी और मानवता ही नहीं सारे प्राणी जगत माला माल हो जाएगा। सभी सृष्टि का कण कण माला माल होगा। इसलिए सबकी आशीर्वाद मानव प्राणी को मिलेंगे, मानव को मिलेंगे, फिर उस आशीर्वाद से मानवता है जो ज़्यादा फलेगी फूलेगी। क्योंकि जैसा कि हम बताते रहते हैं कि ज़्यादातर हमारी समस्याओं का कारण तो क्या है कि मुख जीवों को काट काट कर खाना यानी नॉन वेज, और दूसरे हमारे गरीब भाइयों जो कमज़ोर हैं, भूखे नंगे हैं, अशिक्षित रह गए हैं, उनको दबाना सताना और उनको अधिकारों से वंचित करना, ये दो कारण मानवता के सफ़र करने के हैं। इन्हीं की वजह से भूकंप आते हैं, इन्हीं की वजह से विश्व युद्ध होते हैं, झगड़े होते हैं, तकलीफ होती हैं। और इस तरह से हमें ये चीज़ों पर हम कंट्रोल कर लें तो आगे हम मानवता की बहुत भलाई होगी। और ये हम भी क्या कर रहे हैं, ये परमात्मा ही कर रहा है, हम तो थोड़ा असिस्ट करते हैं जितना भी हमसे हो पाता है। जैसे कि अभी ये मैसेज आया और जैसा हम अपनी देववाणी में बोलते रहते हैं, अब देववाणी में मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं कोई देववाणी का ओरिजिनेटर नहीं हूँ। मुझे तो ये मैसेज कहीं से आते हैं जो मैं आपको बता देता हूँ।
इस तरह से इस सब का लब लबाव क्या हुआ कि अब भारत में एक अद्भुत जगमग शासन व्यवस्था आ रही है जो सारे संसार में फैलेगी और जिससे मानवता मालामाल हो जाएगी। मानवता ही नहीं, पूरा प्राणी जगत, पूरा सृष्टि का कण कण मालामाल होगा कि हमें जीवन तो ऐसे जीना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत। बहुत अच्छा आज का मैसेज है। थैंक यू।